चले हम अभी लोडिंग के लिए, यहाँ से जाना है अंदर राइट को। फिलहाल अपना यहाँ ना अंदर अपना 5-6 किलोमीटर जाना है इस रोड पे ना आशिफ भाई। 6-7 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाली वीर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं आ गया था घर भाई थोड़ा अर्जेंट काम पे, तो 2 दिन से मैं घर ही था। तो आज निकला हूँ घर से, अभी गाड़ी पहुँच गई अपनी श्रीनगर में, तो मैं भी जाऊँगा अभी यहाँ से गाड़ी पकड़ूँगा टैक्सी और सीधे श्रीनगर जाऊँगा। आशिक भाई वहीं पे हैं, तो वहाँ से फिर देखते हैं किधर का प्लानिंग बनता है। अभी जब मैं घर आया था तो वहाँ से लोड कन्फर्म करके आया था, वहाँ से फिर अम्बाला से मैं आ गया था गाड़ी। तो उसके बाद ना व्लॉग शूट किया ना कुछ, ना मतलब ऐसा टेंशन में। तो अभी आ गया हूँ मैं घर, घर से वापस। तो ये हमारा सामने पूंछ सिटी, ये अपने गांव का रोड। अभी आएगी यहाँ से गाड़ी तो बैठ के मैं पूंछ बस स्टैंड से श्रीनगर के लिए जाऊँगा, गाड़ी वहीं पे है। तो चलो ज़्यादा टाइम जाना करते हुए आज का व्लॉग यहीं से घर से स्टार्ट करते हैं। तो चलो लेट अस गो। भाई फाइनली आप पहुंचे हैं अभी श्रीनगर। बैग अभी लगाया हुआ है, गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं इधर। तो यहाँ पे माल लोड करके आई थी गाड़ी, अभी ऑलमोस्ट आधी खाली हो चुकी होगी। ये रहे भाई आशिक भाई। और आशिक भाई बढ़िया। तो भाई पहुंच गया मैं फाइनली, आ गया हूँ ट्रक के पास। अच्छा ये गोडाउन है, और बढ़िया। आगे पीछे मतलब तो भाई आप पहुंचे हैं यहाँ पे खजारिया टाइल, यहाँ पे खाली हो रही है। तो उस साइड भी है। आशिक भाई अकेला आ गया था जम्मू से, मैं तो अम्बाला से वहां से चला गया था घर से घर के लिए। तो भाई अभी गाड़ी के पास आ गए, चेक करो शाइनिंग कर दी भाई ने गाड़ी पूरी कैम होके ना। अभी देख लो भाई दो बाल्टी नहीं। तो गाड़ी हो रही है खाली, टाइल भर के आई थी। टाइल से मार्बल टाइल। तो भाई आ गए थे गाड़ी पे खाली करके, हम आ गए इधर अभी संगम के पास पहुंच गए हैं रनवे पे। और अभी फिलहाल हम जाएंगे उधर भाई के पास, भाई ट्रांसपोर्ट है ना। हाँ, यहाँ से चक्कर लोड किया था। तो इस बार हम कहाँ जाएंगे क्या पता, अभी उधर ही कन्फर्म होगा, देखते हैं। अब दुआओं में याद करना भाई, किधर का लोड मिल जाए, बढ़िया सा लोड मिल जाए जो किस्त निकल जाए गाड़ी की, क्योंकि आजकल थोड़ा मंदा चला हुआ है यार, बात ही मत पूछो। तो भाई अभी हमने आ पहुंचे हैं इधर बाइक की ट्रांसपोर्ट में, बाइक ट्रांसपोर्ट है ना, बाइक की ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का नाम भी बाइक ट्रांसपोर्ट, बाइक ट्रांसपोर्ट है। सुबह बताएंगे भाई, फिलहाल अभी हम तो खाना वगैरह खाएं और फिर सोते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले वीर। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है आपका भाई इधर हम पहुंच आए थे भाई संगम के पास में, यहाँ से अभी भाई ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। तो
भाई के पास ये दूध कहाँ से लाया, इसको पूछना था ना। देसी दूध लाए जो रहने देते हैं, होटल वाले के पास आया होगा। ये दूध कहाँ से लाया उस्ताद? तो भाई अभी चाय की तैयारी कर रहे हैं, हम बनाएंगे चाय। दूध तो लाया हुआ है, देसी दूध नहीं है पर है दूसरा ही है। फिलहाल हम अपना, अब कई भाई बोल रहे हैं यार अम्बाला के बाद आपका ना कोई व्लॉग है ना कुछ है, कि क्या सीन है? सीन का भाई आपको बता दें, मैं चला गया था घर वहीं से, आशिक भाई गया था वहाँ से लोड करके आया। कहाँ से लोड की थी? भिवाड़ी से। भिवाड़ी से हमने टाइल वगैरह लोड करके आया था आशिक भाई। तो फिर आशिक भाई को मैंने बोला भाई चलो आप श्रीनगर में पहुंचो, मैं वहीं आ जाऊंगा। तो फिर अभी बना रहे हैं हम भाई चाय। कौन सी चाय बना रहे हैं? गेस करो। ये कुलसी चाय के लिए इतना पानी डाला। तो चलो ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए भाई व्लॉग को रखते हैं कंटिन्यू। और हम श्रीनगर में ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब तैयारी कर रहे हैं कि लोड की तलाश करेंगे। यहाँ पे राजस्थान नंबर की भी गाड़ियां हैं, 16 टायरी भी है, ये सामने देख लो। और यहाँ बार बीज भिहाड़े अपना संगम से इधर को है। सुबह सुबह भी धूप लग चुकी है, रात को होती है ठंड भाई। तो मैंने तो लगा लिया था, मैंने तो लगाया जैकेट ही सुबह सुबह। अब सुबह सुबह उठे थे, अभी धूप उठाओ। तो भाई यहाँ पे आए हुए हैं हम, अपना ये रहा ट्रक। थोड़ी सी गाड़ियाँ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में, तो गाड़ियाँ अब कम हो गई हैं, जितने जैसे कि पहले गाड़ियाँ होती थी ना वैसे नहीं है। वो रहा अपना ट्रक भाई। भाई कर रहे हैं अभी तलाश लोडिंग की। फिलहाल यहाँ गाड़ियाँ लगी हैं जो पहले की कुछ लग रही हैं, कुछ अभी लगेंगी। तो अपनी गाड़ी का वेट 14 टायरी का ना, कोई माल मतलब दूर दूर तक जल्दी जल्दी कोई बोलता ही नहीं है। तो भाई अपना लोड कर दिया हमने कन्फर्म। आशिक भाई कि लोड हमने कन्फर्म कर लिया, आप देखते हैं किधर का। अभी फिलहाल है तो यूपी लाइन ही है, अब क्या पता यूपी वो पिछले अब बोलता है उधर ही है आसपास ही है, इलाहाबाद के आसपास हो सकता है वहीं हो। तो चलो अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए अपना कंटिन्यू रखते हैं सफर और चलते हैं भाई लोडिंग के लिए। एक ये भाई है अपने राजस्थान से। और बढ़िया लोड का जुगाड़ नहीं बना अभी? चलो बन जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा लोड। हम तो यूपी जा रहे हैं इसलिए यूपी लेन को कम जाती है ना गाड़ी। तो चलो भाई निकलते हैं। ये सामने भाई की ट्रांसपोर्ट, वो देख लो सामने उधर बोर्ड भाई ट्रांसपोर्ट। स्टार्ट किया था हमने गाड़ी, ट्रांसपोर्ट में थे रुके हुए भाई। कोई भी भाई आया अगर लोडिंग के लिए तो भाई की ट्रांसपोर्ट है यहाँ खुडवानी बाईपास में। तो यहाँ से हम चले हैं फिर लोडिंग के लिए। तो हो सकता है आज लोड होगी, आज होगी लोड तो ठीक है, नहीं तो कल होगी। चले हम अभी लोडिंग के लिए, यहाँ से जाना है अंदर राइट को। तो फिलहाल अपना यहाँ ना अंदर अपना 5-6 किलोमीटर जाना है इस रोड पे ना आशिक भाई। 6-7 किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर होगा। तो ये बार अभी इस रोड पे कुलगाम रोड पे चल पड़े हम। मनसगाम 33 किलोमीटर क्या? ये बाजार आया छोटा सा यहाँ पे, यहाँ बैरियल से लगे हुए हैं। रखना
तो भाई अभी हम गए हुए थे दुकान पे, वहां से लाया कोल्ड ड्रिंक और चाय पत्ती वगैरह, तो बनाएंगे गाड़ी में चाय। ये रहा अपना ट्रक यहाँ पे खड़ा, तो यहाँ से एक गाड़ी लोड हो रही है सेब की। तो गाइस अभी हमने लाया सब्जी, लाया था दिन को, लाया था हमने मीट मटन लाया था बकरे का, है ना। तो अभी टमाटर नहीं मिल रहा था, मैं अभी जाके यहाँ से 4 किलोमीटर दूर से 160 रुपए किलो टमाटर, बहुत महंगा हो गया भाई इधर टमाटर, मतलब 160 रुपए किलो, आज आधा किलो लेके आया हूँ मैं 80 रुपए। तो भाई ऐसा, चलो रोटी तो खानी है, फिर हमने सोचा यार अब मटन लाया तो ऐसे टमाटर एक अबे में भी सर जाता है, लेकिन जब मटन बनाए बंदा तो फिर उसमें जरूरत तो पड़ती है। नहीं बिना टमाटर के कोई सब्जी भी खाओ पता नहीं लगता, तो इसलिए भाई हम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, सिंपल रोटी बनाते हैं। तो अभी फिर बना रहे हैं भाई चिकन मटन, मटन फिर उसके बाद चावल बना लेंगे, खाना। तो चलो भाई आज ब्लॉग काफी दिन हो गए नहीं आया, कहीं भाई बोल रहे थे ब्लॉग नहीं आ रहा, ब्लॉग नहीं आ रहा। तो ब्लॉग भाई घर में गया हुआ था मेरे को, थोड़ा आपको भी पता है घर में प्रॉब्लम पड़ जाती है कोई ना कोई। तो फिर आशिक भाई आ गया था श्रीनगर, तो मैं घर से चला गया था, वहां से फिर मुगर रोड से कल आया हूँ। आज हमने गाड़ी पक्की की हुई है वहीं के लिए की हुई है, यूपी के लिए, लेकिन लोड होगी कल। तो भाई फाइनली लगा दी हमने गाड़ी पॉइंट पे, यहाँ से अभी सुबह की लोडिंग में यहाँ से करेंगे लोड, अंदर लगा लिया। और तो बना रहे हैं भाई खाना शाना, फिर खाना वगैरह खा के तो यहीं पे रुक जाएंगे, सुबह ही लोड करेंगे। आज तो दोबारा तो रह सके हैं सुबह, देखते हैं सुबह ही अब क्या करें।